This is part 2 of the lecture, and if you want the part 1 of this lecture, then check out the link in the description box. So, concept of protozoa and metazoa. जो किंगडम है एनिमेलिया दैट इज डिवाइडेड इनटू प्रोटोजोआ जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंसीडर किए गए हैं और मेटाजोआ से आप याद रख सकते हो एम से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इसमें है। अब जो मेटाजोआ है उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है मीजोजोआ में मिडल एनिमल, पैराजोआ में पोल बियरिंग एनिमल का एग्जाम्पल हो गया पोरीफेरा। ये भी पीसी स्टार्ट हो रहा है पैराजोआ का एग्जाम्पल जो है पोरीफेरा का एग्जाम्पल हो जाएगा स्पॉन्जी और यहाँ पे होगा यू मेटाजोआ। सो यू कैन करेक्ट इट इन द नोट्स टू। नाउ रेडिएटा एंड बायलेट्रिया। रेडिएटा का एग्जाम्पल हो गया सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा एंड बायलेट्रिया का एग्जाम्पल होगा प्रोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया। जो प्रोस्टोमिया है उसमें क्या होगा पहले माउथ फॉर्मेशन होगा और जो ड्यूटेरोस्टोमिया है उसमें पहले एनस फॉर्मेशन होगा। सो फर्दर जो प्रोस्टोमिया है उसमें सिलम है तो एस एलोमेट होगा प्लेटी हेलमेंथीस, सुडो सिलोमेट में होगा एस के हेलमेंथीस एंड जो सिलोमेट है उसमें एनिलिडा, ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का और जो ड्यूटेरोस्टोमिया है उसमें एंटोकोकेल एंड कोडाटा कंसिडर किए गए हैं। नाउ व्हाट इज प्रोटोजोआ, इसके करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं मतलब क्या स्पेसिफिक है इसमें। प्रोटोजोआ एनिमल्स आर यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर होंगे मतलब इनमें एक ही सेल प्रेजेंट होगी, एक सेल के बने हुए होते हैं ये। ऑल प्रोटोजोआ आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है इनमें, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, एक इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सेल में। इट हेल्प्स इन ओजमो रेगुलेशन, मतलब ओजमो रेगुलेशन क्या होता है वाटर एंड जो साल्ट का बैलेंस होता है बॉडी में उसको हम ओजमो रेगुलेशन बोलते हैं। एंड एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। बॉडी कवर्ड बाय थिन पेलिकल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लोकोमेट्री ऑर्गन इनमें होता है सुडोपोडिया, फ्लेजिला एंड सिलिया। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है वो जनरल बॉडी सरफेस से होती है, मतलब बॉडी पे थोड़े बहुत पोर्स होते होंगे तो उनसे ये रेस्पिरेशन करते हैं। इंट्रासेलुलर इनमें डाइजेशन होता है प्रेजेंट इन प्रोटोजोआ। ऑटोट्रोपिक हो सकते हैं या फिर हेटरोट्रोपिक हो सकते हैं। ऑटोट्रोपिक्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं और जो हेटरोट्रोपिक है दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर इफेक्टिव इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ बॉडी आर स्फेरिकल, सिलैंड्रिकल एंड इरेगुलर। ऑल टाइप सिमेट्री प्रेजेंट इन प्रोटोजोआ। वन टू और मेनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन प्रोटोजोआ। द एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम आर इमोर्टल बिकॉज देयर इज नो डिविजन, इनमें कोई भी डिविजन नहीं होगा। लेबर डिविजन आर एब्सेंट इन प्रोटोजोआ। सर्कुलेशन जो प्रोसेस है कम्प्लीटेड बाय साइक्लोसिस मेथड, मीन्स एक साइकिल टाइप का मेथड होता है जिससे ये सर्कुलेशन करते हैं। सर्कुलेशन क्या होगा बॉडी में ब्लड का रेगुलेशन, दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलेशन। दे दीज आर होलोजोइक, सेप्रोजोइक और पैरासाइटिक। नाउ व्हाट इज मेटाजोआ, इट इंक्लूड ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दे आर प्रेजेंट इन ऑल हैबिटेट, मतलब एक्वेटिक मीन्स वाटर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं ये सारे एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल मीन्स इन लैंड और दे मे बी प्रेजेंट इन एयर और एरियल। द हेटरोट्रोपिक, दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। All type of psyllium present in metazoa. These animals show superficial and metabolic segmentation. We will see these in detail. Circular tissue, organ and organ system, level of body organization present in metazoa. Direct and indirect development present hota hai. Two type of reproduction are present in metazoa, asexual or sexual. Metazoa jo hai, they and these animals are diploblastic or triploblastic. डिप्लोब्लास्टिक में दो कैविटी प्रेजेंट होगी बॉडी में और इसमें तीन कैविटी प्रेजेंट होगी, मेसोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। दीज आर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। लंग्स, गिल्स, ट्रेकिया एंड स्किन आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन दीज एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल जो गिल्स है वो फिशेज में होती है, लंग्स ह्यूमंस में, ट्रेकिया एंड स्किन आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ दीज एनिमल्स। बोथ टाइप ऑफ स्केलेटन आर प्रेजेंट, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होगा और एंडोस्केलेटन भी प्रेजेंट होगा। एंडो का मतलब होता है इनसाइड एंड एक्टो जो है वो आउटसाइड वाला स्केलेटन। मेटाजोआ एक्सक्रीट अमोनिया, यूरिक एंड यूरिक एसिड एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। यूरिया होता है ह्यूमंस में और यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं बर्ड्स। बाय नेचर दीज आर हर्बीवर्स, कार्निवर्स और ओमनीवर्स।
ये हर्बीवर्स हो सकते हैं, कार्निवर्स भी हो सकते हैं। दे ओनली ईट प्लांट्स और वेजिटेबल्स, और दे ओनली ईट फ्लैश मीन्स किल अदर एनिमल्स। और ओमनिवर्स जो है वो दोनों केस में करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दे कैन ईट प्लांट्स और दे कैन ईट फ्लैश टू। बोथ टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट ओपन और क्लोज। स्किन, किडनी, ग्रीन ग्लैंड, नेफ्रिट या मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट फॉर एक्सक्रीशन। जो मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स होती है वो प्रेजेंट होती है कॉकरोच में, और जो किडनी है वो हमें प्रेजेंट ही होती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब लेवल क्या है ऑर्गेनाइजेशन के। ऑल एनिमल्स डिवाइडेड इंटू फाइव लेवल्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। पहला होगा प्रोटोप्लाज्मिक, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। लेट्स सी दीज इन डिटेल। सो फर्स्ट इज प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। इसमें सारे एनिमल्स यूनिसेलुलर होंगे, माइक्रोस्कोपिक होंगे, ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होगा जो कि साल्ट और वाटर का बैलेंस करेगा। दीज एनिमल्स आर राउंडेड, ओवल शेप्ड और इरेगुलर शेप्ड के होंगे। ये वर्क डिवीजन अब्सेंट इन दीज सेल्स, एग्जाम्पल हो गया फाइलम प्रोटोजोआ। देन सेलुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है लेवल, उसमें मल्टी सेलुलर एनिमल्स होंगे, डिप्लोब्लास्टिक होंगे, मतलब दो ही लेयर होगी, एक्टो और एंडो, अंदर वाली एक्टो बाहर वाली। लेबर वर्क डिवीजन प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनाइजेशन, परफोरेटेड बॉडी प्रेजेंट ऑल्सो नोन एज स्पॉन्जी। कैनाल सिस्टम प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनाइजेशन और फाइलम हो जाएगा पोरिफेरा। देन वी हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दीज ये भी मल्टी सेलुलर होंगे, डिप्लोब्लास्टिक होंगे, मतलब दो ही जो है होगा, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ट्रू टिश्यू प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल है तो उसमें टिश्यू तो प्रेजेंट ही होगा। लेबर वर्क डिविजन प्रेजेंट, स्पेसिफिक नेमोसाइट सेल प्रेजेंट, ओरल और अबोरल सरफेस प्रेजेंट, बोथ आर प्रेजेंट इन सेम। एग्जाम्पल हो गया फाइलम सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया भी बोलते हैं। Now organ level of body organization, all animals are multicellular, mostly animals are parasite होंगे, जो कि दूसरा जो animal है उसको अपना host बनाएंगे और उससे अपना nutrition gain करेंगे। For example जो leeches होती है वो they get nutrition from us and from our hairs too. टिश्यू एंड ऑर्गन आर वेल डेवलप्ड, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसमें मेजोडर्म भी होगा। ऑल सिस्टम आर अंडर डेवलप्ड, ऑर्गन सिस्टम है तो सिस्टम जो है वो अंडर डेवलप्ड है, बट एक्सेप्शन क्या होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनमें वेल डेवलप्ड होगा। दे आर सिलेमेट, एग्जाम्पल हो गया प्लेटी हेलमेंथीस। स्पेसिफिक सेल्स आर प्रेजेंट फॉर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन जो वेस्ट जो रिमूवल है वेस्ट प्रोडक्ट्स का, उसके लिए फ्लेम सेल्स होगी। पैरासाइटिक एडेप्टेशन प्रेजेंट इन दीज मेंबर। नाउ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दीज एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट, एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। दीज एनिमल्स आर ओविपैरस और विविपैरस, मीन्स दे गिव एग्स एंड दे ले एग टू द ओविपैरस जो होंगे दे ले एग्स एंड विविपैरस है दे एग्जाम्पल हो गया इसका ह्यूमंस और मैमल्स। नाउ एसके हेलमेंथीस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकिनोडर्मिडा एंड कोर्डाटा सारे इसके ऑर्गन सिस्टम लेवल के एग्जाम्पल है। नाउ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट दिया था आर एच हुटकर ने 1969 में। दिस कॉन्सेप्ट को हमने मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन थ्री मैन करेक्टर्स, ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है तीन मैन करेक्टर्स पे बेस्ड है। एक हो गया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, एक हो गया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, और तीसरा जो है वो हो गया न्यूट्रिशन। नाउ लेट सी, फर्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। सेल जो है या तो प्रोकैरियोटिक होगी या फिर यूकैरियोटिक होगी। मोनेरा जो किंगडम है इस करेक्टर पे बेस्ड है जो कि प्रोकैरियोटिक है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। प्रोटिस्टा किंगडम इस करेक्टर पे बेस्ड है, या तो यूनिसेलुलर हो सकता है एनिमल या फिर मल्टीसेलुलर। प्रोटिस्टा इस किंगडम पे और करेक्टर पे बेस्ड है। नाउ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन या तो ऑटोट्रॉपिक होगा फिर हेटरोट्रॉपिक, जिनमें दोनों ही न्यूट्रिशन होंगे वो है फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया जो है उनमें भी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है या हेटरोट्रोपिक भी हो सकता है।
नाउ फाइव किंगडम ऑफ विटकर, इसको हम डिटेल में देखते हैं। मुनेरा जो है उसका सेल टाइप है प्रोकैरियोटिक लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, इसमें मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड पेप्टाइड्स, यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है, मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। राइबोसोम जो है वो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट है इसमें। नाउ साइटोप्लाज्म जो है सेल ऑर्गेनोल्स जो है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं। साइटोप्लाज्म क्या है, एक फ्लूइड है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूट्रिशन क्या होगा, थ्री टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इसमें प्रेजेंट होंगे, ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक और सिम्बायोटिक। रिप्रोडक्शन या तो एसेक्सुअल होगा, एसेक्सुअल होगा वेजिटेटिव या कंजक्शन कंजुगेशन। नाउ लोकोमोशन क्या होगा, मोटाइल और नॉन मोटाइल लोकोमेट्रिक स्ट्रक्चर फ्लेजिलाइन में प्रेजेंट होते हैं, बट जो 9+2 अरेंजमेंट होता है वो एब्सेंट होता है। नंबर ऑफ सेल क्या होंगे, ये यूनिसेलुलर ही है और बॉडी शेप इनकी इरेगुलर है, मतलब या तो स्पायरल हो सकती है, कोमा शेप्ड हो सकती है, स्पेरिकल हो सकती है, फिलामेंटियस हो सकती है या कोमा शेप्ड हो सकती है, या रोड सेप्ड भी हो सकती है, रोड सेप्ड। एग्जाम्पल ऑफ मोनेरा आर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्मा। नाउ प्रोटिस्टा, इसका सेल टाइप होगा यूकेरियोटिक, सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है, नंबर ऑफ सेल यूनिसेलुलर है, ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक, न्यूट्रिशन प्रेजेंट हो सकता है, ये ज्यादातर पैरासाइटिक हो सकते हैं, मोस्टली सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल प्रेजेंट रिप्रोडक्शन। राइबोसोम 80S राइबोसोम प्रेजेंट होंगे इसमें। लोकोमोशन जो है वो फ्लेजिला से हो सकता है, सीडिया या सुडोकोडिया से भी हो सकता है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो पेलिकल की बनी हुई होती है, PELICLE, जो कि बहुत ही थिन है। सेल ऑर्गेनल्स जो है वो प्रेजेंट है, बॉडी शेप होगी इरेगुलर, बॉडी साइज होगी माइक्रोस्कोपिक, ऑल सिमेट्री आर प्रेजेंट, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। एग्जाम्पल जो होगा प्रोटिस्टा का वो होगा प्रोटोजोआ, डायटम्स या स्लाइम मॉड्यूल्स। ना फंजाई एंड माइकोटा, सेल टाइप यूकेरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, हेटरोट्रॉपिक, फीडिंग बाय अब्जॉर्प्शन। लाइकेन जो है ये एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन एल्गी प्लस फंजाई में, माइकोराइजा जो है वो फंजाई प्लस हायर प्लांट रूट रिलेशनशिप होता है, रूट्स और फंजाई के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो माइकोराइजा है। सेल वॉल में मेड अप ऑफ काइटिन या फंगल सेलुलोज, फूड स्टोरेज ऑयल ड्रॉप्स में होगी या ग्लाइकोजन के फॉर्म में होगी, सेक्सुअल फिनोटाइप के प्रेजेंट हो सकते हैं। सेल ऑर्गेनल्स जो है प्रेजेंट एक्सेप्ट ओनली फोटोसिंथेटिक सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट। लोकोमोशन सेसाइल और स्टेबल लोकोमोशन होगी, एग्जांपल हो गया सारे फंजाई। नाउ प्लांटी में सेल टाइप होगा यूकेरियोटिक, नंबर ऑफ सेल मल्टीसेलुलर और इनमें टिश्यू भी प्रेजेंट होंगे, सेल वॉल इज प्रेजेंट एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज, न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक होगा, मतलब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं, और जो थ्री मेथड ऑफ प्रेजेंट होंगे रिप्रोडक्शन के, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, लोकोमोशन सेसाइल होगा। सेल ऑर्गेनल्स जो है वो प्रेजेंट हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट भी प्रेजेंट होंगे। फूड जो स्टोरेज होगी वो स्टार्च की फॉर्म में होगी, एग्जाम्पल हो गया ऑल मल्टीसेलुलर ऑटोट्रोपिक प्लांट। नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज एनिमिलिया, सेल टाइप इसका यूकेरियोटिक है, नंबर ऑफ सेल जो है मल्टीसेलुलर विद टिश्यू है एंड सेल वॉल इसमें एब्सेंट है। एनिमिलिया में आपको याद रखना है कि जो सेल वॉल है वो एब्सेंट है। न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक होगा, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट हो सकता है, और जो फूड स्टोरेज है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होगा। लोकोमोशन जो है मस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है इसमें, सम जो ऑर्गेनिजम्स है दे आर पैरासाइट। 80S राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होगा। या प्रेजेंट इन ऑल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक या एरियल में प्रेजेंट हो सकते हैं। हैबिट जो है हैबिवर्स हो सकते हैं, कार्निवर्स या ओमनिवर्स भी हो सकते हैं। सो इसमें सारे जो एनिमल्स है वो कंसिडर किए गए हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड इफ यू वांट टू गेट द नोट्स देन चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, देयर इज आपको एक लिंक को क्लिक करना है एंड देन you will find a page and here also you will find another link and then you have to click it and you will get the PDF of the notes. So thank you and stay tuned, keep learning.